अबे ये किसकी बाइक है बे? सर आज के गेस्ट की। हाँ, पूरी भूतों की बारात बुला रखी है क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सबका स्वागत है बढ़ती का नाम गाड़ी पर। एक्सीडेंट्स की कहानी, भूतों की जुबानी। तो हमारे मेहमान कौन है आज? डब्बू बबलू सर। ओहो, बड़े गजब के मेहमान हैं हमारे। एक बहुत आलसी और एक बहुत लापरवाह। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबान। वाह 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 वाह, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका इस हमारे शो पर। इस परलोक ट्रीटिंग यू वेल? नहीं, परलोक में आपका ध्यान रख रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं खाना वाना खा लिया कि नहीं। खा लिया है हमने तो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि परलोक में सब कुशल मंगल है कि नहीं। अच्छा, तो ऐसा कहिए ना, सब फर्स्ट क्लास। तो आप एक बात बताइए हमको, हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप परलोक पहुंचे कैसे? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना? मैं सुनाऊं। तेरी इसी जिद की वजह से ही हम आज इधर हैं। और आपकी आंतों में जो आलस कूट कूट कर भरा हुआ है वो। तू सही कहता है छोटे, गलती हम दोनों की थी, कहानी दोनों सुनाएंगे। एक मिनट, अगर तुम दोनों की जुगलबंदी खत्म हो गई हो तो हम कहानी आगे बढ़ा लें। हमारे दर्शक कहानी जानना चाहते हैं आपकी, मतलब हुआ क्या था? सॉरी सर जी, तो हुआ यूं था कि ये बबलू मेरा छोटा भाई है और छोटे बड़ों से जिद करते ही रहते हैं। एक दिन जिद करने लगा कि भैया बाइक सिखा दो। अब मेरी बाइक की चेन और गियर्स थे थोड़े रस्की। रस्की? अच्छा, यू मीन रस्टी। हाँ वही रस्की। मेरा ध्यान उस चीज पर कभी गया ही नहीं। अच्छा, गया नहीं तो आपको पता कैसे चला? मरने के बाद परलोक में सब लिखा जोखा होता है। वही से पता चला हमें। भैया ने आलस की वजह से बाइक चेन में ना ऑयलिंग की थी और ना ही उसे बदलवाया था, और तो और गियर्स भी रस्टी हो गए थे। अब मैं ठहरा लर्नर, भैया ने जब बाइक निकाली मैं लपक कर उस पर बैठ गया। मतलब ये जो उड़न खटोला आपका, ये देख रहे हैं आप इनका उड़न खटोला जी। और वो मेरे पीछे बैठकर बाइक चलाने लगे। बाय द वे, भैया इतने आलसी है कि दो दो तीन तीन दिन तक नहाते नहीं है। वाह, लापरवाही, आलस और गंदगी, तीनों एक संग, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है ना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप भी ना। तो मैंने जब पीछे बैठकर बाइक चालू की तो बबलू बहुत एक्साइटेड हो गया। अब बबलू की खुशी में मेरी खुशी। मेरे कहने पे बबलू आगे बढ़ा। मैंने सोचा छोटा सीख जाएगा। मैंने और आगे बढ़ने बोला, उसने और आगे बढ़ा दी। मैंने उस पर और भरोसा किया। मैंने बोला गियर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा। हम अब तक हाईवे के करीब पहुंच चुके थे। हमें हाईवे से पहले ही यू टर्न मारना था। जब भैया ने बोला गियर बढ़ाते जा, मैंने बाइक सीधा टॉप गियर पर चढ़ा दी। हम अचानक स्पीड में हाईवे के करीब पहुंचते ही जा रहे थे। मेरे और भैया दोनों के पसीने छूट रहे थे। भैया ने गियर नीचे लाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और तब तक हम हाईवे पर आ गए थे। तभी एक टेम्पो आया, चढ़ा दिया। हम एक घर के निवासी भाई स्वर्गवासी बन गए। अब मैं समझा आपकी थोड़ी सी कहानी। डू यू इवन नो हाउ मेनी मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड? अरे पूछ रहे हैं, मिष्टी दोई खाओगे? नहीं नहीं, ज्यादा मीठा हो जाएगा। अबे तुम दोनों, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपको पता भी है आपने कितनी गलतियां करी हैं। पहली तो ये कि आपने गाड़ी को निकालने से पहले गाड़ी को ठीक तरह से बिल्कुल चेक नहीं किया। और दूसरा, जो तुम्हारी बाइक में कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करी। और तीसरा, आपके भाई को ठीक से गाड़ी चलाना आता नहीं था, फिर भी आपने अपनी बाइक उनको चलाने के लिए दे दी। और गाड़ी में पेपर्स थे या मतलब वो भी आलस में ले जाना भूल गए तुम? और टूल किट का तो मैं खैर तुम पे भरोसा ही नहीं कर सकता। अरे छोटे, सेट पर ठंडी बहुत है ना। बात बदलने की कोशिश मत करो। पेपर बनवाए थे कि नहीं? नहीं। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, देख रहे हैं आप किस तरह आलस और लापरवाही की वजह से आपकी जान जा सकती है। ये सामने प्रमाण बैठे हैं आपके। ये कहानी एक सबक है इनके लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। जिस तरह जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को जानना जरूरी है, उसी तरह गाड़ी भी आपका पार्टनर ही है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। बबलू और डब्बू, आप जिंदगी में लापरवाह रहे, आलसी रहे, लेकिन हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी वजह से हमारे दर्शकों को
काफी कुछ सीखने को आज मिला और उम्मीद है कि वो इन बातों का फायदा उठाएंगे अपने अपनी लाइफ में, अपने मतलब गाड़ी की देखभाल करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेंशन नॉट सर जी, इससे पहले माहौल और गर्म हो हम चलते हैं। बाय 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 बाय। और अब समय है आज के बम्पर स्टिकर का। टूल किट और डॉक्यूमेंट्स रख कर गाड़ी को चेक करके ही चलाना, तभी बनेगा जिंदगी का हर सफर सुहाना। तो आज की कहानी में हमने जाना कि लापरवाही और आलसपन अपनी गाड़ी के बारे में कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए भूत के साथ, उसकी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।